नारद और माया। सदियों पहले नारद नाम के एक युवा संत थे। वो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। उन्हें वैदिक शास्त्रों का अत्यधिक ज्ञान था। एक दिवस जब वो ग्रंथ का पाठ कर रहे थे, उन्हें एक नया शब्द मिला, माया। एक नया शब्द माया क्या है? मुझे इस नए शब्द माया का अर्थ ज्ञात नहीं है। मुझे अवश्य किसी से पूछना होगा। हे मुनिवर, अध्ययन के दौरान मुझे एक नया शब्द मिला है, माया। क्या आप मुझे इस नए शब्द का अर्थ बताने की कृपा करेंगे? महर्षि, यदि आप माया शब्द का अर्थ जानना चाहते हैं, तो आप श्री कृष्ण से जाकर पूछिए। वो श्री कृष्ण के निवास स्थान द्वारका की ओर चल पड़े। स्वागत है देवर्षि, आपको यहाँ देखकर मुझे सुखद अनुभूति हुई। आप तो सामान्यतः आते नहीं, आप चिंतित प्रतीत हो रहे हैं। मैं कारण जान सकता हूँ? हाँ मेरे प्रभु, आपने मेरी मनः स्थिति को बिल्कुल ठीक पहचाना। मैं आपसे एक प्रश्न पूछने आया हूँ। पूछिए। हे प्रभु, मुझे एक नए शब्द माया का अर्थ नहीं मिल पा रहा है। क्या आप मुझे इस शब्द का अर्थ बताने की कृपा करेंगे? तो आप इस कारण से चिंतित हैं। ठीक है, आप माया का अर्थ अवश्य जान जाएंगे, परंतु अभी नहीं। अभी आप तनिक थके हुए हैं, कुछ दिवस मेरे यहाँ विश्राम करें। ये मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है प्रभु, कि मुझे आपका साथ प्राप्त होगा। कुछ दिवस पश्चात नारद ने पुनः भगवान श्री कृष्ण से माया का अर्थ पूछा। भगवान कृष्ण उन्हें लेकर एक सुदूर स्थान के लिए चल पड़े। मार्ग में, देवर्षि, मुझे प्यास लगी है, क्या आप मेरे लिए तनिक जल ला सकते हैं? हे प्रभु, आप यहीं प्रतीक्षा करें, मैं यहाँ समीप के किसी गांव में जाकर आपके लिए जल लेकर आता हूँ। मैं आधे घंटे में वापस आ जाऊंगा प्रभु। ठीक है देवर्षि, मैं प्रतीक्षा करूंगा। नारद गांव में गए और जैसे ही एक झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया, एक सुंदर कन्या दरवाजे पर आ गई। नारद कन्या को देखकर स्तब्ध रह गए। उस कन्या के पीछे पीछे एक वृद्ध भी आया। महोदय, क्या मैं जान सकता हूँ आप कौन हैं? महोदय, मैं एक यात्री हूँ, मुझे तनिक जल की आवश्यकता है। क्यों नहीं आप यहाँ कुछ दिन ठहर कर आराम कर लें, उसके बाद जाएं? नारद ने ऐसे आमंत्रण की उम्मीद नहीं की थी, अतः अत्यंत प्रसन्न होकर आमंत्रण स्वीकार कर लिया एवं झोपड़ी में ठहर गए। वहाँ कन्या की सुंदरता देखकर वो कृष्ण को पूर्णतः भूल गए। कन्या से उनकी निकटता बढ़ती चली गई। एक दिन, हे नवयुवती, मैं तुमसे विवाह करके तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ, कृपया तुम अपनी सहमति दो। कृपया आप मेरे पिताजी से सहमति लीजिए। नारद अत्यंत प्रसन्न होकर उसके पिता के पास गए। महोदय, मुझे आपसे एक आवश्यक बात कहनी है। अवश्य महोदय, कृपया पूछें। महोदय, मैं आपकी कन्या से विवाह करके उसे अपनी धर्म पत्नी बनाना चाहता हूँ। उसकी सहमति है तो ऐसा करके मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी। धन्यवाद महोदय। शीघ्र ही नारद उस रूपवती कन्या से विवाह करके उसी झोपड़ी में रहने लगे। अच्छी धर्म पत्नी पाकर वो अत्यंत प्रसन्न थे। वर्षों बीत गए तथा वो तीन बच्चों के पिता भी बन गए। उनका बाहरी जगत से कोई संबंध न रहा। 12 वर्ष बीतने पर एक दिन अचानक तेज जल वृष्टि के साथ तूफान आया।
बारिश से पूरा गांव डूब गया। भीषण बाह में नारद का घर बह गया। उन्होंने अपनी धर्म पत्नी एवं बच्चों को बचाने का बहुत प्रयास किया, किंतु सब डूब गए। स्वामी बचा लीजिए हमें, बच्चों, स्वामी। उस भयानक हादसे में अपने परिवार को गंवा चुके नारद भ्रमित हो गए। उन सभी की याद में वो अकेले बैठे आंसू बहाते रहते थे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, मैंने ऐसी कौन सी भूल की थी जो आपने मुझे इतने कठोर दंड का भागी बनाया? अब मुझसे अपनी पत्नी तथा प्रिय बच्चों के बिछुड़ने का कष्ट नहीं सहा जाता। कृपया मुझे मृत्यु दे दे प्रभु। अचानक नारद ने एक आकाशवाणी सुनी। नारद, मैं पिछले 12 वर्षों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तुमने आधे घंटे में जल लाने का वचन दिया था, तुम मुझे भूल तो नहीं गए? नारद ये सुनकर स्तब्ध रह गए एवं धरती पर बैठ गए। हे मेरे प्रभु कृष्ण, मुझसे अपराध हो गया। मैं आपको पूर्णतः विस्मृत कर बैठा था प्रभु, मुझे क्षमा कर दें। नारद, अब तो तुम माया शब्द का अर्थ जान गए? हाँ मेरे प्रभु, जब मैं कन्या से मिला तो आपको भूल गया एवं परिवार में रहकर मैं अन्य सब कुछ भुला बैठा। ये सारे सांसारिक वैभव क्षणिक हैं, यही माया है प्रभु, यही भ्रम है। अब मैं अच्छी तरह समझ गया प्रभु। नारद दुखी मन से नदी के किनारे रेत पर चलते रहे। शिक्षा: इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, चाहे वो सुख हो या दुख। यदि हमें सदैव प्रसन्न चित्त रहना है तो निष्ठापूर्वक भगवान का स्मरण करना चाहिए। अपनी हाजिर जवाबी के लिए सराहे जाने वाले बीरबल सही फैसला देने वाले के तौर पर भी जाने जाते हैं। वे दरबार में लाए जाने वाले कई मुकदमों का चुटकियों में निपटारा कर देते थे। एक बार एक